दोस्तों दोस्तों लिया होगा या फिर आए नहीं रहेंगे वो लोग, तो वैसे भी जाने तो अपने को क्या है, अपन तो सिंगल ही है। वैसे हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। What's up, Mr. Roy? I'm back again with a new video. So guys, हम लोग आ गए फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो तुम लोग का टाइटल देख के पता चल गया होगा काय के ऊपर वीडियो है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और हम अभी पहुँच गए बोरीवली और अभी जाते हैं हम संजय नेशनल गांधी पार्क। और पीछे देख सकते हो बहुत सारी गर्दी है, तो जाते और चेक करते कैसा है। और सो अभी कुछ 2 बज रहे, हम लोग 12 बजे निकले थे तो अभी 2 बज गया, 2 बजे हम बोरीवली में पहुंच गए। और जैसे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहां पे बहुत सारे मार्केट्स भी है, बैग से जूते के, कपड़े के, खाने के लिए भी बहुत कुछ है। जाते अभी पहले घूमेंगे संजय नेशनल गांधी पार्क, पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो तुम लोग वीडियो पे बने रहो, मजा आने वाला है तुम लोग को वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तुम लोग को भी पता है कि मेरे वीडियो कॉन्स्टेंट आ रहे, तो ऐसे ही लगातार वीडियो आते रहेंगे और तुम लोग वैसे ही लाइक और सब्सक्राइब बरसाते रहो। कि टॉपिक के ऊपर तुम लोग को वीडियो चाहिए था वो मेरे को बता दो, मैं वो टॉपिक कवर कर लूँगा। तो फिलहाल मुझे जो अच्छे अच्छे लोकेशन पता है मैं उसका वीडियो निकाल रहा हूँ। तो जाते अभी चेक करते। तो हम लोग पहुँच गए संजय नेशनल गांधी पार्क। तो जैसे देख सकते हो पीछे ही है संजय नेशनल गांधी पार्क। तो स्टेशन के नज़दीक ही था, कुछ 7-8 मिनट ही लगा, तो हम लोग चल के ही आए। तो अभी जाते हैं अंदर, पहले टिकट निकालते फिर आगे एक्सप्लोर करते। तो पहला डियर दिख गया हमें, एक यहाँ पे ओपन ही रखा है। सो यहाँ पे मैप भी है। अभी एंटर तो हो चुके हम लोग। तो जैसे आप लोग ने देखा डियर और बंदर तो ऐसे ही ओपन ही रखा है। और हम लोग जब आए अंदर 70 रुपया बड़े लोग के लिए, 70 रुपया फॉर एडल्ट एंड 37 फॉर चिल्ड्रेन। और ये बैग भी चेक होता है। और वो लोग ने एक ये रूल निकाला, अगर तुम लोग बेफरा भी लेके जा रहे हो और कचरे यहाँ पे फेंक दोगे करके तो उनका ही नुकसान है, मतलब नेचर का ही है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 100 रुपये डिपॉजिट दो, बैग चेक हुआ था तो वहाँ से ही वो बेफर का चीज़ दिखा के तुम लोग को 100 रुपये रिटर्न मिलता है। तो ये दिमाग सही लगाया। तो तुम लोग भी ऐसा इधर ऐसे जगह पे आ रहे हो तो तुम लोग कचरा करना मत। तो बेफर का चीज़ अभी हम खाएंगे तो वही वहाँ पे दिखाएंगे, तो तभी जाके 100 रुपया मिलेगा। और बाकी बहुत ही अच्छा जगह है, तो आगे तुम लोग एंजॉय करो जगह, मैं भी ज़्यादा एंजॉय करके आता हूँ। तो ये पहला जगह दिखता है हमें, लेक साइड व्यू। तो तुम लोग देख सकते हो कितना मस्त है, खूबसूरत है एकदम, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। यहाँ पे कपल लोग कहीं भी जगह ढूंढ लेते और वहाँ पे चालू हो जाते, तो इतना खूबसूरत जगह है। तो अभी हम लोग इधर बीच में यहाँ पे खाइए, यहाँ पे हमें और यहाँ पे नदी है। तो पीछे देख सकते हो कितना मस्त व्यू है। हाँ तो कब का चालू कर दिया हमें भाई। फर्स्ट कॉपी तो यहाँ पे भी चीता के ऊपर बैठ के आराम से इसके साथ खेल सकते हो। ये ब्रिज है नदी के ऊपर से। वाव, ओ भाई बच्चे भाई क्यूट है ना, तेरे तरह ही दिख रहा है लेकिन। अरे हाथ में नहीं लेगा वैसे, छोड़ साइड का वो ना।
और काफ़ी बड़ा जगह है ये पार्क। अभी तो मुंबई में बहुत ही गर्मी स्टार्ट हो गया है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, और जगह तो बहुत ही अच्छा है, पूरा ट्री से कवर है, धूप तो आने का चांस नहीं है, बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है, क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का ही सिर्फ। और ये अभी यहाँ से बाहर निकले तो पूरा गर्मी हो जाएगा बहुत। छोटे छोटे स्टॉल है तो तुम लोग आके वो यहाँ से ले सकते हो, बाहर से नहीं लेना है तो। तो अभी हम जाते आगे और देखते क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है। और तुम लोग अगर आ रहे हो संजय नेशनल गांधी पार्क तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है एनिमल वगैरह, बस टाइगर लायन एंड डियर है। तो अगर तुम लोग को पिकनिक के लिए जगह चाहिए चिल करने के लिए तो ये, अच्छा गाड़ी आ रहा है, तो तुम लोग को अगर पिकनिक के लिए जगह चाहिए चिल करने के लिए तो ये जगह बेस्ट है, मस्त है पूरा। बस आ रहा है, साइड में रहता हूँ। कहाँ है वहाँ दिखाते हैं ना अभी आराम से। तो अभी तुम लोग को अगर चिल करने के लिए आना है पिकनिक के लिए अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ तो ये जगह बेस्ट है, पूरा ग्रीनरी है। एक मिनट वाह, अभी समझ ले तेरे को मारने पे आ गया तू। नहीं मारते रे, कितना मस्त है ना, वीडियो ही ले रहा हूँ। पता नहीं वाह, देखो यहाँ पे ऊपर नहीं घूमते ये लोग, देखो पूरा रोड है और यहाँ पे ये लोग घूम रहे हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे तो डियर तो है वो पूरे खुले घूमते, कोई केज वगैरह नहीं है और खुले घूमते रोड क्रॉस। जैसे आपने देखा होगा मैंने वो शॉट लिया है, कितने प्यारे दिख रहे थे, जस्ट सामने थे मेरे तो। और ये तो पार्क है तो मैं जैसे जैसे अच्छे चीज़ आएगा मैं आपको दिखाते जाऊंगा। और क्या ही बोलूँ अब, यही वो बस होता है जो तुमको जंगल सफारी कराता है। जैसे तुम लोग ने वो बस देखा, वही बस से तुम लोग को जंगल सफारी होता है, मस्त खिड़की में जाली वगैरह रखे तो सेफ्टी के लिए। तो तुम लोग भी आ रहे हो तो तुम लोग अगर देखना होगा देख सकते हो। बाकी और देखते आगे, बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है ये, तो अभी कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन जगह तो बहुत ही बॉम्ब है। अगर तुम लोग को कोई अपना सिनेमेटिक शॉट लेना होगा अपने शॉर्ट फिल्म मेकिंग या फिर रैप म्यूजिक और अपने वीडियो के लिए तो ये जगह बेस्ट है बहुत। तो ये जगह बहुत बेस्ट है, तुम लोग यहाँ पे अपना सारे शूट्स वगैरह कर सकते हो। तो थैंक यू ब्रो। बंद कर, अभी हम ऊपर चढ़ रहे तो इस साइड से कुछ ट्रैकिंग टाइप में ही है, तो अभी ऊपर जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है ऊपर। जैसे पीछे देख सकते हो तुम लोग स्टेप बना हुआ है, तो वो स्टेप से तुम लोग चढ़ के ऊपर जा सकते हो। तो अभी पता नहीं ऊपर क्या है, तो ऊपर जाके पता लगेगा, तो जाते अभी चेक करते। अभी इतना ऊपर चढ़ के आ चुके हैं हम लोग और ये और ऊपर जाने गए। बहुत ऊपर है ये और भी सीढ़ी है, अभी देखते हैं ये मंजिल हमें कहाँ पहुँचाती है। तो सीढ़ी वहाँ से जा रहा था, अभी हम यहाँ शॉर्टकट से निकल रहे, स्लीपर ही है। ओके अबे छोटा सा ये देख, सो गाइस तो हम लोग वहाँ पे शॉर्टकट से आ रहे थे क्योंकि बहुत लंबा था और सांस भी फूल रहा था, तो इसके वजह से हम लोग ने मास्क निकाला था। तो एक अंकल आए, यहाँ के अथॉरिटी थे शायद, तो बोलने लगे मास्क नहीं निकाला, तो बताया हमने कि थक गए थे सांस फूल रहा था इसलिए थोड़े टाइम के लिए निकाला था।
तो अंकल हम लोग को पूछे वहाँ तो हमने कबूतर कबूतर कोई दिख रहा है क्या नीचे, फिर हमने बताया है दो तीन कबूतर, तो अंकल ने बोला अभी जाके इनका पर काटो करके, तो अभी हम लोग टॉप पे पहुंच गए, अभी देखते क्या है यहाँ पे। तो ये टॉप का व्यू है, तो आना वर्थ है यहाँ पे। हाँ आजा, एज यू ऑल कैन सी सच ए नाइस व्यू है ना। और यहाँ पे संभाल के खड़े रहो, रेलिंग्स भी ऐसे आधे निकले, तो इसको ज़्यादा सपोर्ट मत दो या फिर नीचे आप जाएगा। मछली भी है पर पानी पूरा काला हो चुका है, तो आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। फाइनली मैं अपने आंखों के मेगापिक्सल से देख पा रहा हूँ, पर तुम लोग मेरे मोबाइल के मेगापिक्सल से नहीं देख पा रहे रहोगे। तो देखो गोल्ड फिश, फिर गोल्ड फिश है ना ये, ये देखो इसको। अब ये रहेगा इतना पहाड़ा, तो देखो आके तेरे को वो करेंगे। वो वहाँ पे था मैराथन, हम लोग जाते थे वहाँ पे। भी बहुत सारे जैसे आप देख सकते हो, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, ये काला वाला। मुझे नाम तो नहीं मालूम है इन लोगों का। वाह ये व्हाइट वाला भी सेक्सी लग रहा है। तो अभी जो मैंने तुम लोग को दिखाया था वो पूरा यहाँ का शायद से टॉप व्यू था, जो कि बहुत ही अच्छा व्यूज था, और मछली भी थे वहाँ पे। तो आना तो वर्थ है यहाँ पे इतना लंबा सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो अभी वापस नीचे जा रहे और देखते आगे और कोई अच्छा जगह मिला तो वो भी एक्सप्लोर कर लूँगा। अभी जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ, अंकल ने हम लोग से कबूतर का जगह बताया था, हम लोग ने उनको बताया अभी कहाँ कहाँ बैठे कबूतर, पर अभी नीचे उतरते टाइम देख रहे कबूतर अभी इधर के इधर ही हिल ही नहीं रहे, तो शायद से इनसे दोस्तों लिया होगा या फिर आए नहीं रहेंगे वो लोग। तो वैसे भी जाना तो अपने को क्या है, अपन तो सिंगल ही है। वैसे हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। मास्क तुम्हारा एक नंबर है। थैंक यू भाई, इसलिए पहना मैं, अच्छा दिख रहा है ना। चलो और सब बढ़िया, अब फ्री प्रमोशन हो रहा है, डेट नहीं चल रहा है, रोहंस ब्लॉग डाल देने का। रोहंस ब्लॉग हाँ आ जाएगा, पर ऐसे मेरा अभी डाल रहा है ना तो एकदम लास्ट में आ रहा है, वीडियो डाला नहीं है ना बहुत टाइम से, इसी वजह से। पानी दो, पानी बोतल। चलो फिर सब्सक्राइब कर देना। चलो तो वो भाई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाले थे पर उनका, वाह अभी अभी सामने से जस्ट डियर भाग के, अरे ये लोग भी भागेंगे, रुक जा इधर ही आ, ऊपर आ। अरे नहीं भागेंगे, अभी तुम लोग को मैं अच्छा शॉट दिखाने वाला हूँ, अगर भागे तो अच्छा है। तो जैसे देख रहे हो एक पार कर रहा है ये, वाह चल रहे भागेंगे नहीं, चुपचाप चले। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितने सारे, इधर ही हमारा सफर खत्म होता है। तो जितना दिखाना था उतना तो मैंने दिखा दिया है, होप आपको पसंद आया होगा जितना भी मैंने बताया है। और ये बहुत ही बड़ा है तो ये कवर करने में बहुत ही टाइम जाएगा, और ऊपर से वीडियो भी बहुत ही लंबा बन जाएगा, तो तुम लोग को बोर भी होगा देखने के लिए। तो ये पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, तो तुम लोग विजिट करना चाहते हो तो कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे साइकिलिंग भी है, तो तुम लोग साइकिल से भी घूम सकते हो और अपने फैमिली के साथ भी आके यहाँ पे पूरा पिकनिक का आनंद ले सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो डियर है, डियर की जनसंख्या बहुत ही है यहाँ पे, और बंदर की। तो तुम लोग को डियर और बंदर तो रास्ते में दिख ही जाएंगे। अभी देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे भी कितने सारे और ऊपर भी बहुत सारे थे, और अभी हमें 6:30 से पहले वो वेफर का चिप्स। थैंक यू, देखा रिएक्शन। तो चिप्स का जो वेफर है, वेफर का चिप्स क्या बोलते हैं, ब्रैप, अच्छा ब्रैपर है जो चिप्स का, वो जमा करके हमें अपना 100 रुपये अभी लेना है 6:30 से पहले। और शायद से अभी हम कुछ खाने जाएंगे तो मैं उधर का वीडियो निकालूंगा, पर वो नेक्स्ट पार्ट में डालने वाला, इसके साथ नहीं डालूंगा, बिकॉज अभी इसके साथ ही डाल लूँगा तो फिर वीडियो ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा। तो अभी जाते अपना 100 रुपये लेके आते फटाफट। चल
ना तो रैपर दिखा के हमको हमारा 100 रुपया मिल गया रिटर्न। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो। तो सफर यहीं पे खत्म होता है, तो जब तक ले मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।